कोलोन इन्फेक्शन एक क्रॉनिक पाचन बीमारी है जो कोलोन के अंदरूनी परत की सूजन को संदर्भित करती है। इसे कोलाइटिस भी कहा जाता है, जो कि बड़ी आंत है। कोलाइटिस होने के विभिन्न कारण हैं, जिनमें इन्फेक्शन, इन्फ्लामेटरी बोवेल डिजीज़, इस्कीमिक कोलाइटिस, एलर्जी से रिएक्शन और माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस शामिल हैं। अधिकतर कोलोन इन्फेक्शन ऐसा भोजन का सेवन करने से होता है जिसे पचाने में हमारे पाचन तंत्र को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, या ऐसा कह सकते हैं कि भोजन हमारे शरीर में सही से पच नहीं पाता है। इस तरह का वेस्ट फूड कोलोन में जमा होने लगता है और साथ ही रासायनिक तत्व जो कि पाचन तंत्र में इस तरह के खाने को पचाने में बनते हैं, वे भी अलग-अलग तरह से जमा होने लगते हैं और नुकसान पहुंचाने लगते हैं। इतना ही नहीं, जब इस प्रकार की स्थिति काफ़ी गंभीर हो जाती है तो कोलोन में बलगम या कफ जमा हो जाता है और मल त्याग करते वक्त काफ़ी दिक्कतें आने लगती हैं। आइए कोलोन इन्फेक्शन होने के कारणों के बारे में जानते हैं। कई अन्य स्थितियां हैं जो कोलोन की सूजन का कारण बन सकती हैं, जैसे इन्फेक्शन, कोलाइटिस संक्रमण वायरस, बैक्टीरिया और परजीवी के कारण हो सकता है। संक्रामक कोलाइटिस से पीड़ित व्यक्ति को डायरिया, बुखार और मल के नमूने के परीक्षण में सलामोनेला, कैंपिलोबैक्टर और ई कोलाई सहित एंथ्रोपैथोजेन के लिए सकारात्मक परीक्षण होता है। यह संक्रमण के कारण पर निर्भर करता है। यह दूषित पानी, खाद्य जनित बीमारी या खराब स्वच्छता से अनुबंधित भी हो सकता है। आपको बता दें कि स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस नाम का एक और प्रकार का संक्रामक कोलाइटिस है। बैक्टीरिया के अतिवृष्टि के कारण इसे एंटीबायोटिक संबंधित कोलाइटिस के रूप में भी जाना जाता है। इन्फ्लामेटरी बोवेल डिजीज़, यह एक कोलोन संक्रमण का अधिक सामान्य रूप है। जब पाचन तंत्र में सूजन आ जाती है तो आईबीडी होता है। मूल रूप से यह एक बीमारी है। कई बीमारियां आईबीडी के अंतर्गत आती है, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। क्रोहन रोग, क्रोहन डिजीज़, जब संक्रमण पाचन तंत्र की आंतरिक परत में होता है। इस स्थिति को क्रोहन्स डिजीज़ के रूप में जाना जाता है। इस संक्रमण में पाचन तंत्र का कोई भी हिस्सा संक्रमित हो सकता है, लेकिन आमतौर पर या सबसे अधिक बार यह इलियम में विकसित होता है, यानी छोटी आंत का अंतिम भाग। अल्सरेटिव कोलाइटिस, कोलोन और मलाशय के सबसे भीतरी परत में पुरानी सूजन या काफ़ी टाइम से सूजन और अल्सर होता है। इस कोलाइटिस से पीड़ित लोगों में पेट के कैंसर का खतरा अधिक होता है। इस्केमिक कोलाइटिस, जब कोलोन के हिस्से में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन जो कि आवश्यक होती है वह पाचन तंत्र में कोशिकाओं के माध्यम से नहीं पहुंच पाती है। यह मुख्य रूप से संकुचित या अवरुद्ध धमनियों के कारण होता है। इस्केमिक कोलाइटिस भी कोलोन के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकता है, लेकिन आमतौर पर इससे पीड़ित व्यक्ति को पेट के बाईं ओर दर्द महसूस होता है। यह धीरे धीरे या अचानक हो सकता है। एलर्जी से रिएक्शन, ऐसा देखा गया है कि वयस्कों की तुलना में शिशुओं में इस तरह की बीमारी अधिक होती है। यह लगभग 2 से 3% शिशुओं को प्रभावित करती है। यह मूल रूप से गाय के दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन के कारण होने वाली सूजन होती है। इस संक्रमण से पीड़ित एक बच्चा चिड़चिड़ा हो सकता है और उसके मल में रक्त या बलगम हो सकता है। एनीमिया और कुपोषण भी संभव हो सकता है। यहीं आपको बता दें कि इसिनोफिलिक कोलाइटिस एलर्जी कोलाइटिस के समान है। यह आमतौर पर शुरुआती बचपन में ही ठीक हो जाती है, लेकिन किशोरों और वयस्कों में इस तरह की हालात अक्सर काफ़ी पुरानी या क्रॉनिक होती हैं।
माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस, जैसा कि नाम से पता चलता है, इसे केवल एक माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखा जा सकता है। यह लिम्फोसाइटो में वृद्धि के कारण होता है, जो कि कोलोन की परत में मौजूद श्वेत रक्त कोशिका है। यह दो प्रकार की होती है, लिम्फोसाइटिक कोलाइटिस। इसमें लिम्फोसाइटों की संख्या अधिक होती है और ऊतक और कोलोन की परत मोटी हो जाती है। कोलेजनस कोलाइटिस, इस प्रकार के रोग में कोलोन के परत के नीचे कोलेजन की परत सामान्य से अधिक मोटी होती है। दवा प्रेरित कोलाइटिस, ड्रग इंड्यूस कोलाइटिस, कुछ दबाव के कारण बीमारी हो सकती है, जैसे कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, और लोगों को कोलोन में सूजन आ जाती है। कोलोन संक्रमण होने के लक्षण, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, विभिन्न प्रकार के कोलाइटिस होते हैं और सबके लक्षण भी अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ सामान्य लक्षण इस प्रकार हैं: बुखार, डायरिया रक्त के साथ या बिना, जी मिचलाना, पेट में दर्द और ऐंठन होना, वजन घटना, थकान, सूजन, बार बार मल त्याग करना, डिप्रेशन, जोड़ों में दर्द और पीड़ा, भूख में कमी आना या भूख कम लगना, कोलोन ऊतक में सूजन का आना, पेट मरोड़ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रकार और गंभीरता के आधार पर कोलोन संक्रमण या कोलाइटिस विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। बीमारी की अवधि के साथ कोलोरेक्टल कैंसर भी विकसित हो सकता है। इलाज किस प्रकार का दिया जाएगा, यह बीमारी की गंभीरता पर निर्भर करता है। इसमें एंटी इंफ्लामेटरी दवाएं, एंटीबायोटिक सप्लीमेंट, सर्जरी या ऑपरेशन, कीमोथेरेपी इत्यादि जैसे उपचार किए जा सकते हैं। शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है, व्यक्ति संक्रमण को आसानी से पकड़ सकता है और कभी-कभी यह संक्रमण जीवन के लिए खतरा भी बन जाता है। तो अब आप जान गए होंगे कि कोलोन इन्फेक्शन क्या होता है, कैसे होता है और इसके क्या लक्षण हो सकते हैं। तो थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।